हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने सुबह ही कढ़ी बनाई है और शाम को अगर बच गई है तो आप इस प्रकार से जिस प्रकार से मैं तड़का लगाकर इसे और टेस्टी बनाने वाली हूँ तो आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ये तेल भी डाल दिया मैंने। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से इस तरह से आप कढ़ी को और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो जिस तरह मैं तड़का लगाकर इसको टेस्टी बना रही हूँ। और देखिए, साथ में मैंने थोड़ा सा मिर्ची, हल्दी और धनिया लिया है और ये जीरा लिया है, देखिए, और लहसुन, मिर्ची, प्याज और कटे हुए टमाटर। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, ये मैंने डाल दिया है और ये सारी सामग्री हैं, देखिए, मिर्ची, लहसुन और प्याज, इसे ही मैं इसमें डाल दूँगी और तड़का ढाक दूँगी। क्या ढाकने से इससे इसका बुखार उड़ता नहीं है और अपने ऊपर नहीं आता है। और इसे हम प्याज को अच्छी तरह से भूंज लेंगे, सभी वेजिटेबल्स को, सब्जियों को, मिर्ची, चिली, प्याज, ऑनियंस एंड लहसुन, गार्लिक, जब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरह से सुनहरा ना हो जाए, यानी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अगर आपके बच्चे भी कढ़ी ना खाते हों तो आप इस प्रकार से उसको इस तरह से तड़का लगाकर कढ़ी को पहले और टेस्टी बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, जिससे मेरे बच्चे तो खा ही लेते हैं अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ। देखिए, थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगा है मेरा प्याज। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये प्याज और मिर्ची अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और मुझे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आपको मैं बहुत प्यारी शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। देखिए, पास से आपको दिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी में डाल देते हैं कुछ मसाले, मिर्ची, धनिया और हल्दी। वैसे तो कढ़ी में सारे मसाले डले हुए हैं मगर ये एक्स्ट्रा ही तड़का लगा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा मैं इसमें मसाले का यूज़ कर रही हूँ, आप भी कर रही तो बहुत ही टेस्टी। और अभी हमारे मसाले भुन चुके हैं और ये मैं डाल रही हूँ टमाटर, इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। बिल्कुल जैसे बिल्कुल पक जाएगा टमाटर, उसी तरह से हम इसको पका लेंगे और थोड़ी देर से छोड़ देंगे, ढककर रखेंगे बिल्कुल स्लो आंच पर, थोड़ा ये जल्दी पक जाए। इसे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ जिससे अच्छी तरह से ये पक जाए। और फिर इसे ढककर हम रख देंगे 5-10 मिनट के लिए, जिसे अच्छी तरह से टमाटर हमारे पक जाएं और बिल्कुल स्मूथ हो जाए, उसमें मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, पक चुके हैं। अब हम इसी में अपनी बची हुई कढ़ी डाल देंगे और ये बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। देखिए, ये आप एक इस तरह से भी कढ़ी को तड़का लगाकर खा सकते हैं, खाने बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। अब इसे इस तो आज को हम तेज़ कर देते हैं। देखिए, हमारी कढ़ी बनके तैयार, इस तड़का और थोड़ा सा ढक के रख देते हैं। बाय बाय।